लेकिन भीमसेन भय भी सतर्क थे, क्योंकि जानते थे कि ये राक्षस है, इसका भरोसा नहीं है, कहीं ये मरने के एक्टिंग कर रहा हो और अभी उठ के मेरे को रख देगा तो मैं चला जाऊंगा। तो भीमसेन ने एक मुष्टि फिर धर ली, धर तक धड़ से मिल गई, उसके राजधानी के कुछ लोग वहां से आए। जब वो एक दूसरे से पटक रहे थे तो इतना शोर उसका हो रहा था कि गांव के लोग आके पेड़ों के पीछे से देख रहे थे क्या। जब उन्होंने देखा कि आज हमारे वाले महाराज को बढ़िया से प्रसाद मिल रहा है तो बड़े खुश हो रहे थे पेड़ के पीछे पीछे। और जब वो शांत हो गया और जब गर्दन को तोड़ दिया भीमसेन ने तो वो सामने आते थे। ये नियम बना रखा था कि हर घर से एक आदमी को मेरे पास आना है, मैं उसका भक्षण करूंगा, क्योंकि वो हमारे राजा थे तो हम क्या करते। लेकिन आज आपने आके जो उपकार किया है हम क्या उसका ऋण चुकाएं आपको। धन्य धन्य है वीर गोसाई, हारा आपने शक्ति की आराधना करने वाली राक्षस कुल की कन्या। तो
मैं कहना यह चाहता हूं भक्तों कि जन्म जहां आप लेते हैं उसका प्रभाव कभी प्राणी पर नहीं होता। एक ही मां से पैदा हुए चार बेटों के चार अलग अलग भाग्य होते हैं। कहते भी हैं कि माता पिता जन्म के साथी हैं, भाग्य के साथी नहीं। तो उसी कुल में उसी की बहन जो धर्म के प्रति आस्थावान है, उसी का भाई हिडंब जो अधर्म का प्रवर्तक है। दुर्जन कुल में श्री जगतारी शक्ति आराधक दर्शन दारी प्राप्त हुआ है निज गति गामी। प्राप्त हुआ है निज गति का भाई को जो आज गति प्रदान हुई है, जो गति मिली है वो उसकी निष्की करणी के द्वारा मिली है। प्राप्त हुआ है निज गति गामी पहली भयन कर फल फल कामी पहली भयन कर पहली भयन कर फल फल कामी। कितने सारे अंग थे लेकिन छोटे छोटे शब्दों को संत लोग कैसे पिरो देते हैं कि पूरा चरित्र का निर्माण हो जाता है। प्राप्त हुआ है निज गति गामी पहली भयन कर फल फल कामी मेरी रक्षा कौन करेगा अन्य समाज को कौन बनेगा पड़ी शरण मन भीगे वो करे सीमा रक्षा मेरी कीजिए के पांडव के लाखो बोलो श्याम से से पड़े आए थे पानी लेने और यहाँ पे कापत करने पड़ गए। अब सामने एक कन्या उसको क्या जवाब दे और देखे विचित्र परिस्थितियां कि एक भाई दुष्ट राक्षस उसको मारा और उसके पुरुष का क्या मिला हिडिंबा जी का ये इतना बड़ा डिमांड का चिट्ठा कि मेरी रक्षा कौन करेगा। अब वो क्या जवाब दे। वैसे भीमसेन जी मेरी तरह से कुछ ज्यादा बुद्धिमान थे जल्दी निर्णय ले लेते थे। तो उन्होंने क्या किया भीम उठाए हिडिंबा को भूत रहा था अपने मन को निर्दोष अनारी अबला कैसे रक्षित बनी सबला सोचे ही निज जननी आया संग हिडिंबा को ले आया बाल भी आधे पर्दे इधर उधर हो गए साथ नहीं धोए लफड़ा लेके आ रहे। तो उन्होंने पूछा ये क्या है। तब वो हिडिंबा जी खुद बोलती है मैं ही पिता माता से जन्म से पोषित निज भ्राता से हुई मेरी माता जी मैं बचपन से मेरे माता पिता मर गए थे और मेरे भाई ने ही मेरा लालन पालन किया लेकिन आज वो युद्ध में इनके हाथों मारा गया। अब मेरा जीवन निश्चित करिए मैं तो निर्दोष मैंने तो कुछ किया नहीं लेकिन जिनको मेरे भाई ने सताया है वो तो मुझसे प्रतिशोध ले। तो मेरा जीवन और मेरा यौवन इसको आप सुरक्षित करिए निश्चित करिए मेरा जीवन इससे रक्षित मेरा यौवन बोल भयन कर जब कुंती जी ने ये बात सुनी
अपने चारों पुत्रों से कहा कि समस्या तो बहुत बड़ी है, लेकिन हमें इसका कोई उचित हल तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमें धर्म का पर्याय कहा जाता है, और चाहे मेरे पुत्र की त्रुटि हो या ना हो, लेकिन यह सत्य है कि इसके रक्षक के रूप में जो इसका भाई था, उसके मारे जाने से यह नितांत अकेली हो गई। इसके जीवन में यह जो खतरा आया, यह हमारे बेटे भीम की वजह से। भीम ने कहा, माता जी, अगर मैं थोड़ा सा उस खतरे प्रति आपकी तरह से सोचता ना, तो आपके पांच में से चार हो गए होते। आप तो यहां धर्म की कर्म की बात कर रही है, मेरे वहां ज्ञान की बात भी लगी हुई थी। ये पटक पटक के मेरे ऐसे मार रहा था, राज गदा भी मेरे हाथ में नहीं थी, ये तो मेरी बुद्धि काम कर गई और शिला उठा ली, नहीं तो ये मुझे शिला कर देता। और अब आप कह रहे हैं मेरा दोष है, मेरा क्या दोष है, मैं मर जाता क्या? युधिष्ठिर ने कहा, फजले तू बैठ जा, तेरे समझ की बात थी, तेरे ऊपर से जारी सारी का हम बात करते हैं। तो माता और चारों पुत्र थोड़ी दूर जाते हैं और वो आपस में मंत्रणा करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसका हल तो को निकालना होगा, नहीं तो हमारा कुल कलंकित हो जाएगा। ये पांडव कुल है, ये तो धर्मानुकूल आचरण करता है। तो वही निर्णय क्या लेते हैं, निज पुत्रों के साथ में बुद्धि करे और भाइयों ने मिलके कि भीमसेन का हिडिंबा से विवाह हो जाए। अब देखिए, यहां निर्णय तो कुंती जी लिया था, लेकिन इसके कई अर्थ हो गए। ध्यान दीजिए कि पहले जो महारानियां होती थी वो भी राजनीति में पारंगत होती थी, हिडिंबा का विवाह करवा के एक साथ में कई हर साध ली। वो हिडिंब वन जिसमें औषधि की भरमार, जिसमें वन संपदा की भरमार, उस राज्य को अपने राज्य का अधीन कर लिया। और ये कृपा भी करती कि माता श्री ने अपनी बहू बना के उस कन्या की रक्षा करी। तो उस वक्त की महिलाएं, हालांकि आज राजनीति में कम है कि हमारे महिलाएं, उनसे ज्यादा राजनीति आती है हमारी आज की महिलाओं को आती है ना। तो कितना सुंदर उन्होंने इसका और सॉल्यूशन निकाला कि हिडिंबा के साथ इसका विवाह हो, और तुम्हें हिडिंबा चूंकि हमारे कुल में जुड़ गई है, इसलिए इसको हमारे कुल के सारे संस्कारों का ज्ञान करवाना है और इस राज्य में धर्म की स्थापना करनी है, क्योंकि अब तो ये हमारा राज्य हो गया। जब हमारे पुत्र यहाँ का दामाद हो गया तो हमारा राज्य हो गया, तो अब ये राज्य हमारे अनुसार रहना चाहिए। तो ये कार्य भीमसेन तुम करोगे और हमारी पुत्र वधु को सारे हमारे जो नियम है, जो हमारे कुल की परंपराएं हैं, सारी कुछ सिखानी है। और जब तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो जाए तो तुम वापस हमारे पास आ जाओगे, और तब उसके बाद तुम वापस कभी नहीं जाओगे। देखिए, एक तरफ तो उसको भक्त बनाया, लेकिन आप ये देखेंगे कि इस कथा के हर एक पात्र, ध्यान दीजिएगा इस बात को, मैंने प्रारंभ का कहा था कि श्री श्याम देव की कथा है वो तपस्या और त्याग की कथा है। तो यहां केवल बरबरी तपस्या नहीं करते हैं, इसका हर एक पात्र आपको तपस्या करता हुआ दिखाई देगा, उसी की प्रारंभ हो रही है तपस्या आप हिडिंबा देवी की। ये कम तपस्या है क्या कि मात्र एक वर्ष पति के साथ रहने के बाद उसने इस शर्त को स्वीकार किया कि दोबारा न कभी वो जाएगी और न कभी भीमसेन उसके पास आएंगे, केवल पुत्र की प्राप्ति हो जाए। इतनी बड़ी तपस्या। और आप देखेंगे कि हिडिंबा जी ने जो तपस्या की, 5000 साल पुराना लकड़ी से बना हुआ मंदिर मनाली में आज भी हिडिंबा देवी का कुछ भक्त अगर गए हो तो, और पूरे हिमाचल प्रदेश की सर्वप्रिय देवी है, सर्व मान्यता प्राप्त देवी है हिडिंबा जी, किस बूते? तपस्या के, सत्य के बूते, समर्पण के बूते। उस परिवार से है मेरा श्याम, जिसकी दादी इतनी बड़ी तपस्वी थी, और इसकी माँ का क्या करूं भक्तों, भगवान श्री कृष्ण के सामने किसी ने शीश उठाने की हिम्मत नहीं करी,
लेकिन इस ईमान ने तीन दिन और तीन रातों पानी पिला दिया कृष्ण को। आखिर कृष्ण को सुदर्शन चक्र समर्पण करना पड़ा, तब दबा कर प्रकट हो। ऐसे कौन से हैं मेरे साथ जिसकी माँ जिसकी दादी तपस्वी भी और साथ साथ में वीरांगनाएं भी। कृष्ण को तीन दिन और तीन रात तक चैन नहीं लेने दिया, जितने उसके पास आए थे सारे छोड़ के देख लिए, लेकिन मौर्य पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। तब भगवान कृष्ण ने दुखी होकर सुदर्शन चक्र को स्मरण किया। जो ही सुदर्शन चक्र को स्मरण किया, कामना कभी प्रकट हुई, क्योंकि जब कृष्ण सुदर्शन चक्र को स्मरण कर लेते हैं तो फिर शिव भी नहीं बचा सकते। तो ऐसे कुल से मेरे श्याम हैं और उनकी दादी श्री हैं हिडिंबा जी। तो हिडिंबा जी का चरित्र भी चल रहा है। हिडिंबा जी भी तपस्वी, माँ भी तपस्वी, तपस्या और त्याग। हिडिंबा जी का तपस्या देख रहे हैं, त्याग भी देख रहे हैं कि इस युवा अवस्था में केवल एक वर्ष पति के संसर्ग में रहने के बाद में स्वीकार कर लिया कि हाँ मैं सदा के लिए त्याग दूं। क्यों कि जो कुल उसे मिल रहा है, अगर भाई होगा तो कुल कौन सा मिलता, तो राक्षसी कुल मिलता। आज मेरा कुल देखा बैठे और कुछ ने मक्की मार दे। तो हिडिंबा जी ने केवल इस धर्माचरण के कुल में जाने के लिए, इस देव कुल की बहू बनने के लिए संपूर्ण जीवन अपना तपस्या किया। तो एक एक पात्र आप ध्यान दीजिए, अगर रामायण के भी किसी पात्र को आप लेंगे तो वो पात्र मर्यादित होगा। अगर राक्षस है तो अपनी राक्षसी परंपरा के अंदर, और देव है तो देवता की परंपरा के अंदर। पूर्ण पूरी की पूरी जो कथा है वो आपको मर्यादित मिलेगी। उसी तरह से अगर बाबा श्याम की कथा पर आप ध्यान देंगे तो इसके हर एक पात्र में तपस्या उत्तर, इसी त्याग और तपस्या से ही श्याम कथा का निर्माण हुआ। तो हिडिंबा जी ने यह स्वीकार कर लिया। हुई हिडिंबा वधू भीम सुख लाई कुंती हुई थोड़ा धीरे धीरे पढ़ो, जल्दी नहीं है ताकि एक बात समझ में आए। वर्ष एक तुम यही पे रहना, कुंती का यह भीम से कहना, मधु सास के तब पगला थी, आशीर्वाद मिला शोभा थी, निश्चय सुख मैं जीवन काटू, कुंती भीम से खुशियां बांटू। एक सास को यही आशीर्वाद देती है कि पुत्र मधु पैर छूने क्या करती है, सदा सौभाग्यवती रहो। लेकिन आजकल हमारी बहू पैर छूती नहीं, नमस्ते करती हैं, गुड मॉर्निंग करती हैं, तो आशीर्वाद भी नहीं मिलता है, नहीं मिलता। सौभाग्यवती भव, सदा सुखी भव, दूधा लाओ दूधा फड़ो, पते बोलना ऊपर से नहीं ना। ये हमारी माताएं नानी दादी का ये आशीर्वाद होता था। बहू जब पैर लागती थी तो क्या करती थी, दूधा नाओ पोता फड़ो, दूध से स्नान करो और तुम्हें पुत्रों के नाई लग जाए। अब होती एक चाहिए, अब कहीं एक चाहिए, बोले क्यों एक चाहिए, बोले अगर दूसरे हो जाओ तो यो वो कर साओ मोबाइल सारा खर्च तो देना चाहिए, टाबड़ नहीं कर सकते आप। तो उस वक्त आज भी शास्त्र यही आशीर्वाद देती है ना कि तू सदा सुहागिन रहो। वधु सास के तब पगलागी, आशीर्वाद मिला सौभागी, निश्चय सुखमय जीवन काटो, पुत्र वीर संग खुशियां बांटो। अचर अमर यह राज करो तुम कुल मर्यादा, ये शर्त लगाई है कुंती जी ने, कुल मर्यादा याद करो तुम। तो हम धीरे धीरे अपने कुल की मर्यादाओं को भूल रहे हैं, ये उचित नहीं है। ये जो कुल की मर्यादा है, जो कुल की परंपरा है, जिसको हम शॉर्ट करते जा रहे हैं, ये नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यही भारत की पहचान है। हमारे हर एक 25 कोस की दूरी पर पानी और पानी दोनों बदल जाते हैं, यह प्रकृति का नियम देखिए।
25 कोस की दूरी पर पानी और वाणी दोनों बदल जाती है। आप कहीं जाके देख लीजिएगा, ये वैज्ञानिक बात बता रहा। तो 25 कोस की दूरी पर जाके आशीर्वाद ही बदल जाता है, परंपराएं बदल जाती है थोड़ी थोड़ी। हरियाणा राजस्थान दोनों बीचों को ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन कितनी प्यारी भाषा हरियाणा की, बताओ बताओ कितनी प्यारी। बहु पानी का लोटा लेके सुसुरजी देख ना, तो थोड़ा सा पानी पैर पड़ गया, बहु पानी पड़ गया, फिर सुसुर जी की ताप तेजी चाप पड़ गई, पूछ दूंगी साफ हो जाएगा। बात वही बोली है, लेकिन देखिए कितने प्रेम से बोली, कैसी जा पड़ गई, पूछ दूंगी साफ हो जाएगी, नहीं सुन जाएगी, नहीं सुन जाने दीजिए, इसको समझाने चक्कर में शाम बता चुका। मतलब 25 कोस की दूरी पर हमारे भारत में वाणी और पानी दोनों बदल गए। तो अगर हम अपनी वाणियों को बदल लेके अपना स्वरूप बना लिया, सबको एक में कर दिया, तो भारत की पहचान समाप्त हो जाएगी। इसलिए आप जब अपना ओढ़ना ओढ़ने जाती हैं, तो दूसरा बता देता है कि मारवाड़ की।